नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होता है इसमें WTI और OTI का एलम और ट्रिपिंग सेटिंग कितना में किया जाता है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर मैक्सिमम कितना डिग्री टेम्परेचर तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज और आप लोग देख रहे हैं द इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का सामने एक ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग 1000 KVA का है और ऑपरेटिंग वोल्टेज है 6.6 KV। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि WTI और OTI का सेटिंग कितना में रखते हैं इंडस्ट्री में। ओके, तो बेसिकली इसको बोला जाता है मार्शलिंग बॉक्स और इसके अंदर में WTI और OTI होता है। ठीक है, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मार्शलिंग बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है, अंदर में कंट्रोलिंग वगैरह इसका वायरिंग किया गया है। ये नीचे TV है, यहाँ पे MCBs है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो है हम लोगों का OTI मीन्स ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों WTI मीन्स वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ओके, तो इसमें देखिए दोस्तों कि यहाँ पे दो काटा यहाँ पे दिया गया है, रेड और एक ब्लैक। ब्लैक वाला शो कर रहा है राइट नाउ अभी प्रेजेंट में कितना टेम्परेचर है वो शो करता है, और रेड वाला है मैक्सिमम कितना टेम्परेचर गया था यहाँ पे वो शो करता है। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसा ही है, हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना के रखा हूँ, चैनल पे जाके देख सकते हैं कैसे कनेक्शन होता है, कैसे ST पैनल तक इसका ट्रिपिंग जाता है, कैसे ट्रिप होता है, कैसे अलार्म होता है, कौन सा रिले में ट्रिपिंग जाता है कमांड। ठीक है, डिटेल में बना के रखा हूँ। इसमें खाली हम लोग देखेंगे इसका ट्रिपिंग का और अलार्म का सेटिंग, ओके, कि कितना में किया जाता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे जो OTI है इसका देख लेते हैं। अंदर में शायद देख पा रहे वहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे वो यहाँ पे देखिए नंबरिंग किया गया है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो लिमिट स्विच है, यहाँ पे एक लिमिट स्विच है और नीचे यहाँ पे एक लिमिट स्विच है। ठीक है, एक ट्रिपिंग के लिए होता है और एक अलार्म के लिए होता है। ये ऊपर वाला जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अलार्म लिखा होगा, नीचे यहाँ पे देखिए ध्यान से अलार्म, ऊपर वाला अलार्म के लिए है और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं वाला ट्रिपिंग के लिए है। ओके, तो ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों बेसिकली ये जो सेट है अभी OTI वाला जो सेट है अलार्म, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक एक जो छोटा छोटा काटा देख सकते हैं एक एक 10 करके है, 0 से स्टार्ट है 30, 60, 70। ये वाला देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कोने जो कोना जो आ रहा है ना, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये 60 है, ऊपर में ये 70 है। ठीक है, और उसके बाद ये 80 है, देन 90 है। बेसिकली 70 और 80 अलार्म सेट होता है। ठीक है, अभी तो इसका जो OTI है इसका 60-70 में सेट किया गया है, और ट्रिपिंग जो है इसका ट्रिपिंग का दोस्तों यहाँ पे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, हाँ दिख रहा होगा यहाँ पे देख सकते हैं सीधा जो 90 है, 90 के सीधा काटा ये जो ट्रिपिंग है 90 में किया गया है OTI का। ठीक है, अभी हम लोग WTI का देख लेते हैं। सेम यहाँ पे दो काटा दिया गया है, एक प्रेजेंट टेम्परेचर और एक कितना मैक्सिमम गया तो टेम्परेचर देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तो सेम ही काटा है, लेकिन इसमें देखिए ये वाला 80 में सेट है, वो वाला 70 में था, ये वाला जो अलार्म है 80 में सेट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 60, 70, 80 देन 90। ठीक है, ये 80 में सेट है, बेसिकली बोलो ना 70 से 80 लेके अलार्म सेट होता है, और इसका ट्रिपिंग है, ट्रिपिंग दोस्तों इसका 90 में सेट है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपिंग है 90 में है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है मैक्सिमम कितना टेम्परेचर तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होता है इसका जो इंस्ट्रक्शन जो क्लास होता है बेसिकली ए होता है। आप लोग देखे होंगे मोटर में ए रहता है, बी रहता है, एफ रहता है, एच रहता है, ऐसा क्लास रहता है। तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल फील्ड जो ट्रांसफार्मर होता है इसका बेसिकली ए रहता है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर है हम लोग इसको 105 डिग्री तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतना टेम्परेचर राइज होने तक हम लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है 95 डिग्री अगर होता है टेम्परेचर उसके ऊपर इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका लाइफ धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि OTI WTI इंडस्ट्री में कितना में ट्रिपिंग और अलार्म सेट किया जाता है और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हम लोग इसको ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।